गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ डील करेंगे। क्वेश्चंस हम लोग चले, एक क्वेश्चन है हमारा एससी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 3 है एससी वर्मा का। यह हुआ है पटना और रांची, पटना और रांची इसके बीच का एयर डिस्टेंस 260 किलोमीटर एयर डिस्टेंस, और पटना से रांची बाय रोड डिस्टेंस है 320 किलोमीटर। पटना टू रांची डिस्टेंस है, एयर डिस्टेंस है, ये आपका एयर डिस्टेंस है, और इसका बाय रोड है, बाय रोड आपका 320 किलोमीटर। एरोप्लेन जो हमारा है वो मूव कर रहा है आप बाय एयर, और इसका टाइमिंग है 30 मिनट यानी 0.5 आवर, 0.5 आवर है, 30 मिनट है, 30 मिनट है, 30/60 करना तो माना जाएगा 0.5 आवर। और ये जो बस ट्रेवल कर रही है बाय रोड, उसका जो टाइमिंग है 8 आवर। फर्स्ट में पूछ रहा है हम लोगों को यहाँ पर एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एरोप्लेन का एक ही दिया हो जाएगा 260 किलोमीटर, ये हमारा निकल गया इसका डिस्टेंस 260 किलोमीटर। टाइम जो हमारा है यहाँ पर 0.5 आवर, तो हम लोगों को एवरेज स्पीड ही टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 260 बाय टाइम 0.5 52 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन 52 किलोमीटर पर आवर। बी है हमारा एवरेज स्पीड ऑफ बस, ये जो बस है यहाँ पर हम लोग का बस है, इसका एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना, तो एवरेज स्पीड इसका टोटल होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड बस का हो गया डिस्टेंस 320 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, ये निकल गया हम लोग को 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड बस का। इसके बाद हम लोगों को सी है एरोप्लेन, एरोप्लेन का एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी का होता है हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एरोप्लेन का डिस्प्लेसमेंट हमारा इनिशियल पॉइंट पर बनाने वाली है 260 किलोमीटर और टाइम है इसका 0.5 आवर्स। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा है 260 किलोमीटर, टाइम है 0.5। किलोमीटर पर आप ये निकल गया इसका एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। डी में है हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा बस का है, फाइनल पॉइंट नेचर पॉइंट प्लान लाइन है 260 किलोमीटर, टाइम जो बस का लग रहा है 8 आवर। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो हमारा होगा ही ए बी का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट 260 बाई 8। इसको डिवाइड कर देंगे बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एनसीईआरटी का 3.4, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा 3.4 दिया हुआ है कि एक पर्सन हमारा वो मूव कर रहा है यहाँ पर होम टू मार्केट, तो मूव कर रहा है होम टू मार्केट और होम टू मार्केट का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 2.5 किलोमीटर। होम से मार्केट का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2.5 किलोमीटर। ये जो मैन मूव कर रहा है, यहाँ पर एक मैन है, ये मूव किया होम टू मार्केट, होम टू मार्केट ये जो मूव कर रहा है, तो इसका स्पीड है यहाँ पर दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर से मूव किया। मूव करने के बाद ये मार्केट पहुंचा, तो मार्केट आपका क्लोज्ड था। मार्केट क्लोज्ड होने के बाद ये तुरंत इंस्टेंटली रिटर्न बैक हो गया, ये रिटर्न बैक स्पीड इसका जो हो गया 7.5 किलोमीटर पर आवर। होम टू मार्केट डिस्टेंस है आपका 2.5 किलोमीटर और
मार्केट पहुंचने के बाद मार्केट क्लोज था, बंद था, तो इस टाइम के बाद रिटर्न हो गया, और रिटर्न हो गया तो उसमें स्पीड उसका बढ़ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें फर्स्ट हम लोगों को ए में निकालना है यहाँ पर एवरेज स्पीड, बी में निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट है आपका टाइम टी इज इक्वल टू 30 मिनट, सेकेंड है टाइम टी इज इक्वल टू 50 मिनट, थर्ड है आपका टाइम टी इज इक्वल टू 40 मिनट। फर्स्ट हमारा 30 मिनट, तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग चले, फर्स्ट में है टाइम टी इज इक्वल टू 30 मिनट 30 बाई 60 आवर, 1/2 आवर। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन इन टाइम 1/2 आवर। तो एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी है 5 किलोमीटर, टाइम है 1/2 इनटू 0.5 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम में मैन होम टू मार्केट रीच करता है, पहुंचता है, यहाँ पर ये मूव किया, मैन मूव्स फ्रॉम होम टू मार्केट, वो होम से मार्केट वो पहुंच गया। तो इस केस में मैन का डिस्टेंस इसका 2.5 किलोमीटर और इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, टाइम है इसका 30 मिनट यानी 1/2 आवर। तो ए में हमको निकालना है यहाँ पर एवरेज स्पीड, तो यहाँ हमारा ए में एवरेज स्पीड ही ए में इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये डिस्टेंस आपका 2.5 बाई टाइम 1/2, ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। बी में हम लोगों को निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 2.5 है, टाइम है आपका 1/2, 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इसका निकला इस टाइम इंटरवल में 5 किलोमीटर पर आवर, कारण कि 30 मिनट में मैं आपका मूव करके होम टू मार्केट पहुंचता है। इस दोनों केस में, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल है, जिसके कारण से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही इक्वल है। नेक्स्ट हमारा टाइम है यहाँ पर गिवन, सेकेंड है हमारा टाइम टी इज इक्वल टू है 50 मिनट, 50 मिनट को हम लिख सकते हैं 30 मिनट प्लस 20 मिनट। तो हमने देखा है कि 30 मिनट में मैं होम टू मार्केट पहुंचता है 30 मिनट में। यहां पर है आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाई मैन इन 30 मिनट, 30 मिनट इज इक्वल टू 30/60 इज इक्वल टू 1/2 आवर। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए S1, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका 5
है यहाँ पर 1.2 इसका 2.5 किलोमीटर, यानी ये मूव करता है आपको होम टू मार्केट। नेक्स्ट ये 30 मिनट टाइम में मूव किया होम टू मार्केट। अब है नेक्स्ट इन 20 मिनट इज इक्वल टू आपका 1/3 आवर्स। ये मूव कहाँ करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन एस टू वी इन टू वी। तो रिटर्न का बैक हो रहा है, उसका स्पीड हो गया है 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 1/3 तो 2.5 किलोमीटर। तो नेक्स्ट वो डिस्टेंस चला 2.5 किलोमीटर, यानी ये मूव कर गया पुनः हमको यहाँ पर मार्केट टू होम, यानी कि वो 50 मार्केट टू होम ये मूव कर गया, यानी कि 50 मिनट में मैं होम से मार्केट और मार्केट से होम पहुंच गया। तो इस केस में इसका डिस्टेंस जो मूव किया वह S1 + S2 2.5 + 2.5 = 5 किलोमीटर वह डिस्टेंस ट्रेवल किया। और मैन का इस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ऑफ पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 0। तो ए में है हम लोगों को एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसका डिस्टेंस हमारा है यहाँ पर 5 किलोमीटर, टाइम हो गया हमारा 50 आवर है, 50 मिनट, 50/60 तो 5 × 60/50 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकल गया 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इसमें ई में हम लोग निकालें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम इसका है 50/60 आवर तो यानी कि 0। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में आपका 0 निकला। तो 50 मिनट में मैन होम टू मार्केट और मार्केट टू होम पहुंच जाता है, जिसके कारण से उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 से उसका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड है यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू 40 मिनट है, 40 मिनट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 40 मिनट + 10 मिनट। 30 मिनट में हमको पता है कि मैन होम टू मार्केट पहुंच जाता है, इसमें डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन इन 30 मिनट इसका इक्वल 30/60 बराबर 1/2 आवर। एस वन वी टी, वी है आपका 5 1/2 2.5 किलोमीटर, यानी ये मूव किया आपका होम टू मार्केट, ये होम टू मार्केट मूव कर गया। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट इन टाइम 10 मिनट 10 बाई 60 1/6 आवर तो इसका डिस्टेंस
एस टू इज इक्वल टू वी टी, रिटर्न जो बैक हो रहा है 7.5 है इसका, तो यहाँ पर 7.5 1 बाई 6 और 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचा 1.25 किलोमीटर, यहाँ पर पहुँच गया वो, पहले यहाँ से मैन ली मूव किया होम टू मार्केट रिटायर बैक होकर के वो पहुँच गया आपको यहाँ पर। तो यहाँ हम लोगों को डिस्टेंस 2.5 प्लस 1.25 इज इक्वल टू 3.75 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट ये फाइनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा 1.25 किलोमीटर, कारण यहाँ से यहाँ तक हमारा 2.5 किलोमीटर है, ये हो गया 2.5 माइनस 1.25 इसका जो 1.25 किलोमीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट हमको निकालना है यहाँ पर एवरेज स्पीड इसका जो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसका डिस्टेंस हो गया 3.75, टाइम हमारा है 40 मिनट, तो 40 मिनट इसका टू होगा हमारा 40 बाई 60 3.75 4 इंटू 6 हो गया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 7.5 बाई 8 इंटू 6, ये हमारा होगा 45 बाई 8 किलोमीटर पर आवर, 45.8 किलोमीटर पर आवर, इसी टर्म में आपका आंसर गिवन है। इसके बाद हम लोग निकाले यहाँ पर बी में एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट है 1.5, टाइम वही 40 बाई 60, 1.5 इंटू 6 बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2.5 6 बाई 8, तो एवरेज वेलोसिटी निकल गया हम लोगों को 15 बाई 8 किलोमीटर पर आवर, 15 बाई 8 किलोमीटर पर आवर, ये निकला हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर तीन केस था, हम लोग फर्स्ट था 30 मिनट, सेकेंड था 50 मिनट, और थर्ड हमारा 40 मिनट। तो इसमें हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके यहाँ पर था लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 4.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टी ऑफ मिनट्स हैंड इन टाइम इंटरवल 6 एम 6:30 AM and B 6 AM to 6:30 PM, ये हमारा क्लॉक है,
ये आपका 12, 6, 3, ये 9th. अब है ये कह रहा है कि 6 AM में हमारा मिनट हैंड यहाँ पर था और आवर हैंड यहाँ पर, ये आवर हैंड है, ये आपका मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, और ये मूव करके आपको यहाँ पर जब पहुँचेगा, यहाँ पर मान लीजिए ए टू बी जब पहुँच रहा है, तो उस केस में आपका फर्स्ट में और 6:30 AM में इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है, ए भी लेंथ L होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका L प्लस L इसका टू एल का वैल्यू 4.5 इसका टू 9 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 9 सेंटीमीटर निकला। अब टाइम 6 AM to 30 AM में टाइम निकला हमारा 30 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर दें, 30 into 60 इतना आपका सेकंड हो जाएगा। अब है हम लोगों को निकालना यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 9 सेंटीमीटर, टाइम हमारा है ये 90 कर दें बाय 8 × 10⁻³ होगा, ये होगा 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इसका निकल गया हम लोगों को, सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकल गया 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब है सेकेंड में हम लोगों को निकालना 6 AM to 6:30 PM बी में है और टाइम 6 AM to 6:30 PM, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखें तो ये रोटेट करके आपको आवर एक बार कंप्लीट रोटेशन लेगा तो 6 PM पर पहुंचेगा, फिर इसके बाद मिनट आपको चल करके यहां से यहां आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका L प्लस L यानी 2L ही रह गया, L का वैल्यू 4.5 यानी 9 सेंटीमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस केस में भी मिनट का इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर टाइम अब हम लोग देखें, एक कंप्लीट रोटेशन लेने में 12 आवर्स हो गया प्लस इसके बाद 13 मिनट हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर 12 × 60 hour 60 + 30 × 60 4500, इतना ये आपका सेकंड होगा, टाइम निकल गया हम लोग। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है 9 सेंटीमीटर, टाइम 45, इतना इसको लिख सकते हैं 90 × 45 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका हमारा डिस्प्लेसमेंट 9 ही, और टाइम हमारा चेंज कर गया, इसका वेलोसिटी हो गया एवरेज वेलोसिटी 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। थैंक्स।